दुनिया की 90% इलाकाई जैव विविधता वर्षावनों या रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। घने, गर्म और नम जंगल, धरती के सबसे ज्यादा चहल पहल और विविधता से भरे इलाके, जहां पानी की ताकत से एक कभी ना थकने वाला और ताकतवर चक्र लगातार चलता रहता है, जहां अनगिनत जीव और पेड़ पौधे अपनी भूमिका निभाते चले जाते हैं। नई दुनिया के ये वर्षावन अनगिनत आश्चर्यों से भरे हैं। यहां है हरियाली का खजाना, जिसके बीच कभी ना खत्म होने वाली नई प्रजातियां मजे से जी रही हैं। घने जंगल की काली छाया के बाहर भीतर गुजरती हुई नदियों और विशाल पेड़ों के बीच इनकी चहल पहल लगातार कायम है, पूरी शिद्दत से। ये नया नियोट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक जन्नत है और इसे जिंदा रखती है यहां तकरीबन रोज होने वाली जोरदार बारिश। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इनका विस्तार मध्य अफ्रीका, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और अमेज़न के बेसिन तक है। अमेरिकन ट्रॉपिक्स के जंगल दक्षिण ब्राजील से लेकर दक्षिणी मेक्सिको तक फैले हैं। कोस्टा रिका जैसे छोटे देशों में ये खास तौर पर घने हैं। कोई जंगल तभी वर्षावन या रेन फॉरेस्ट कहला सकता है जब वहां साल भर हर महीने में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश हो। इसका मतलब यह है कि वहां हर साल करीब 1700 से लेकर 2000 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जंगल के हर वर्ग मीटर के दायरे में। यहां तापमान का दायरा भी बहुत संकरा होना चाहिए, करीब 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें 5 डिग्री की कमी या बढ़त हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। वर्षावन की एक और शर्त है, यहां हमेशा नमी 80% होनी चाहिए। ये खासियतें यहां के हैबिटेट और इसमें रहने वाले जीवों दोनों को परिभाषित। स्पेक्टेकल केमन बारिश की वजह से अपने प्रजनन में देर नहीं करते। ये अपने इलाके पर निशान लगाने के लिए पानी में अपने जबड़ों को हिलाते हैं। इससे पैदा होने वाली आवाज सुनकर घुसपैठिए घबरा कर भाग जाते हैं। ये जब किसी इलाके पर अपना दावा पेश कर रहे होते हैं, तब बगुले जानते हैं कि उन पर कोई खतरा नहीं है। यह है बेयर थ्रोटेड टाइगर हेरन, जो खाने की तलाश में है। बगुले की ये प्रजाति मध्य अमेरिका में ही पाई जाती है और विशाल जंगल की जल धाराओं के आसपास ही रहती है। ये आमतौर पर मछली को हार्पून जैसी चोट से मारती हैं, पर इनके रहते यहाँ पानी में रहने वाला कोई भी छोटा मोटा जीव सुरक्षित नहीं है। एक केकड़े को लगा कि डाली पर उसे कुछ नहीं होगा, पर अब वो इस बगुले की खुराक बन चुका है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश जरा देर के लिए रुक गई है, पत्तियों से बस गिनी चुनी बूंदे गिर रही हैं। वर्षावन की जमीन पर चूंकि सीधी धूप नहीं पहुंचती, विशाल पेड़ों में अटक जाती है, इसलिए यहां झाड़ियां ज्यादा नहीं उग पाती। साउथ अमेरिकन टेपियर की भारी भरकम काया झाड़ियों में से झांक रही है।
अमेरिका के जंगल में ये सबसे विशाल और भारी भरकम जानवर हैं। इनका वजन 300 किलो तक होता है। टैपियर इस जंगल में मजे से घूमते हैं और पत्तियां और गिरे हुए फल खाते हैं। इनकी छोटी सी लेकिन काफी संवेदनशील थूथन होती है, जिसे वो यहां वहां घुमाते रहते हैं और इसकी मदद से यहां मौजूद तरह तरह के पौधों में अपनी पसंद के पौधे चुन लेते हैं। ये सबसे नरम पत्तियों को खाते हैं। ये इनकी खुराक का 65% हिस्सा होती है। टैपियर को पानी के आसपास के इलाके पसंद आते हैं और इस जंगल में इनकी कोई कमी नहीं है। छोटा सा नॉर्दर्न टैमेंडुआ भी नदी के पास ही रहता है। इनकी लंबी थूथन और छोटे बड़े अजीब से पंजों की वजह से इन्हें देखकर हैरत हो सकती है, पर यहां हर चीज की कोई जंगल की छत पर शान से तने कई ऐसे पेड़ हैं जो आसपास के दूसरे पेड़ों से काफी लंबे हैं। ये मोंटेजुमा और पेंडोला का मनपसंद इलाका है। मोंटेजुमा और पेंडोला सिर्फ मध्य अमेरिका के वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। खास तरह की आवाज करने वाले ये रंग बिरंगे पक्षी अलग थलग मौजूद सबसे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर अपने घोंसले बनाते हैं, ताकि ये हमलावरों की पहुंच से बचे रह सकें। जंगल की जमीन के चहल पहल से दूर इनकी बस्ती अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती है। नरों की चौकन्नी निगाहों के बीच मादाएं घोंसला बनाने और चूजों को खाना खिलाने का काम करती हैं। नर आसमान में मंडराते हमलावरों पर नजर रखते हैं और वो परजीवियों का भी सफाया करते हैं। वो अक्सर ही किसी डाली पर उल्टे लटक कर गाना गाते हैं, अपने परों को खोल लेते हैं और अपनी पीली दुम का दिखावा भी करते हैं, जिनकी वजह से इन्हें ये नाम मिला है। दिखावे में इनकी जो ताकत लगती है उसकी भरपाई के लिए ये पास के पेड़ों तक जाते हैं, जहां तरह तरह के फल उगे हैं। यहां पराग और कीड़े भी मौजूद हैं। खुद खाने के अलावा ये किसी ऐसी मादा को खाने तोहफे में भी देते हैं जिस पर इनका दिल आ गया हो। स्पाइडर मंकी आमतौर पर फलों का गूदा खाते हैं। ये मुख्य रूप से पके हुए गूदेदार फल पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें जंगल का एक बड़ा इलाका चाहिए जहां ये मजे से जी सकें, खा पी सकें। ये अक्सर खाने की तलाश में दिन भर में 2 किलोमीटर के दायरे में चले जाते हैं। फलों की खुराक वाले इन बंदरों को तरह तरह के खानों को और उनकी जगहों को याद रखना पड़ता है, ताकि जिंदगी आसान बनी रहे। स्पाइडर मंकी की याददाश्त और सीखने की काबिलियत देखते हुए कुछ वैज्ञानिक इन्हें इंसानों से अलग होशियार वन मानुषों में तीसरे नंबर पर रखते हैं, यानी ओरंगुटान और चिंपैंजी के ठीक नीचे। स्पाइडर मंकी लगातार ट्रॉपिकल तूफानों के बीच रहते हैं। ये इनके लिए एक वरदान भी है और जानलेवा खतरा भी।
वर्षा वनों के रहने वाले जानवरों ने खुद को मूसलाधार बारिश के लिए ढाल लिया है, कभी न रुकने वाली लगातार बारिश के लिए। मैंटल्ड हाउलर मंकी मोम्बिन के पेड़ों के बीच फलों की तलाश करते हैं। इस पेड़ की गीली डालियों पर यहां वहां आने जाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जंगल की जमीन पर गिरे फलों के बीच थ्रश पक्षी छानबीन करता है और उसे यहां ढेर सारे कीड़े मिल जाते हैं। जब बारिश रुक जाती है तो मकड़ियों को अपने पैर सुखाने पड़ते हैं, इसके बाद ही वो अपने जाल की मरम्मत कर सकती हैं। इस बारिश में कुछ जीवों की जान चली गई है, पर जंगल में हमेशा ऐसे जीव मौजूद रहते हैं जो जानते हैं कि इन बदनसीब जीवों का फायदा कैसे उठाया जाता है, जैसे कि ये चींटियां। इन नियोट्रॉपिकल जंगलों में बने नदियों के बेसिन में जितनी तादाद में पानी बहता है उतना दुनिया में और कहीं नहीं बहता। बेसिलिस्क विशाल छिपकलियां होती हैं जो मध्य अमेरिकी ट्रॉपिकल नदियों के किनारों पर रहती हैं। ये फुर्तीली और शर्मीली होती हैं और पहचाने जाने से बचने के लिए फौरन छिप जाती हैं। ठीक केकड़े खाने वाले रेकून की तरह जो इसी इलाके में रहता है, बेसिलिस्क को भी पानी के आसपास रहना पड़ता है। अगर ये इतनी फुर्तीली और फिसलदार ना हो तो इस रेकून का निशाना बन जाए। केकड़े खाने वाले रेकून इन नियोट्रॉपिकल जंगलों में ही रहते हैं, जहां ये अपने लिए नम और दलदली इलाका खोज लेते हैं। भले ये पानी के आसपास रहना चाहें, लेकिन ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए ये फलों और कीड़ों को भी खा पाते हैं। हालांकि इनका पसंदीदा खाना है झींगे और केकड़े। रेकून्स बहुत ही फुर्तीले होते हैं। एक बार जब ये अपने शिकार के पंजे तोड़कर उसे लाचार कर देते हैं, उसके बाद ये आसानी से इसे संभाल लेते हैं और बार बार धोते रहते हैं। कहते हैं कि अपने शिकार को बार बार धोना असल में रेकून के छूने के एहसास से जुड़ा है। छूकर रेकून समझ जाता है कि ये खाने लायक है या नहीं, कहीं इसमें कांटे, हड्डियां या दूसरे किस्म के कोई खतरे तो मौजूद नहीं है। वर्षा वन के हालात इसे कीट पतंगों के लिए जन्नत बना देते हैं। सच ये है कि कीट पतंगे ही असल में इस जंगल पर राज करते हैं। मध्य अमेरिका के एक हेक्टेयर जंगल में कीड़ों की 6,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई गई हैं। लेकिन जब अंधेरा घिरता है तो शुरू होता है मेंढकों का राज। एक साथ बारिश और गर्मी पड़ने की वजह से यहां जमीन पर और हवा में बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है। यहां के स्थायी पोखरों के पास पौधों की पत्तियों पर अलग अलग प्रजातियां अपने अंडे दे देती हैं। आवरग्लास रीफ्रॉग दुनिया का इकलौता रीढ़ की हड्डी वाला प्राणी है,
जो हालात देखते हुए पानी और जमीन दोनों जगह अंडे देता है। ये जहां भी अंडे देता है उम्मीद यही करता है कि ये अंडे पानी के हमलावरों की निगाहों से बचे रहेंगे, पर यहां खतरा हमेशा मंडराता रहता है। सांपों की कई प्रजातियों ने एम्फीबियन जानवरों के अंडे खोजने में महारत हासिल कर ली है और वो हमेशा उनकी तलाश में रहते हैं। जब भी उन्हें ये लजीज खुराक कहीं नजर आती है, ये इन चिपचिपे और अजीब से अंडों को ज्यादा से ज्यादा सपाचट कर जाते हैं। लेकिन इनका इतना शिकार होने के बावजूद भी कुछ अंडे सही सलामत बचे रह जाते हैं और उनमें से निकलते हैं कुछ टैडपोल। सांप और मेंढक जीवन के चक्र को पूरा करते हैं। पानी इस चक्र को कायम रखता है। नई दुनिया के इन वर्षा वनों में जीवन की जटिलता और विविधता को ये पानी ही तो उजागर करता है। धरती के करीब आधे ट्रॉपिकल वन अमेरिकी महाद्वीप पर पाए जाते हैं। मेक्सिको के दक्षिण से ब्राजील के दक्षिण तक फलता फूलता ये दुनिया का सबसे समृद्ध और अनछुआ जंगल है। हालांकि ट्रॉपिकल वर्षा वनों ने धरती की 6% से भी कम जमीनी सतह को ढक रखा है, पर वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि पौधों और जीवों की दुनिया की आधी से ज्यादा प्रजातियां यहां रहती हैं और इनमें से कई की तो पहचान भी नहीं हो सकी है।